हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिता भारती। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाहौर एंड स्टडिंग इन प्लस टू क्लास। माय एम इज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड माय हॉबीज लाइक रीडिंग हिस्टोरिकल बुक्स, प्लेइंग गेम्स लाइक बैडमिंटन, चेस, डांसिंग, सिंगिंग एंड पोइट्री। जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तब से मैंने अपनी पोइट्री की शुरुआत की, और कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ और हमेशा जीत के आती हूँ। जन्म से ही रहा मैं आवागा, सबने रिश्ता तोड़ दिया, नवजात अभी था तभी मात ने गंग धारी छोड़ दिया, माँ ने मुझे प्रवाहित करके अपना हित तो साध लिया, मगर पता ना चला आज तक मैंने क्या अपराध किया। महलों में होना था जिसको, झोपड़ियों में उसने निवास किया, हर पल हर क्षण और हर स्थान पर लोगों ने उसका उपहास किया, हर पल हर क्षण और हर स्थान पर लोगों ने उसका उपहास किया। परशुराम ने गुरु होकर भी कमल जरी के आजीवन ही कीचड़ में वो धसे गए। मैं थैंक करती हूँ मम्मा पापा का, जो कि मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे हर टाइम सपोर्ट करते हैं। पंकज भारती, मूलतः भेड़ी का रहने वाला हूँ और पेशे से अध्यापक हूँ। नंदिता भारती मेरी बेटी है, प्लस टू में पढ़ती है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैट्रिक में इसे स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है। बेटी को बचपन से ही पोइट्री और डिक्लामेशन का शौक था। आज भी हम गर्ली गए थे, डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर डिक्लामेशन का, वहीं से आपके आने से पहले पहुँचे घर, और पोइट्री में भी KKHD ने काफ़ी अच्छा मौका दिया क्योंकि मेरे को भी 20 साल हो गए सर्विस करते हुए, लेकिन ऐसा मौका ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा कि बच्चा जब भी बोलता है, स्टेज पर जाता है, तो मतलब बच्चे की पूरी कमियां गिनाई जाती हैं। हम भी सरकारी अध्यापक हैं लेकिन इतनी कमियां हम भी नहीं गिनाते हैं। कहने का मतलब, इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं फिर भी हम यानी बच्चों को नहीं तरास पाते हैं जितना आपका जो टीवी चैनल है वो ये इतना बढ़िया काम कर रहा है कि बच्चे की सारी गलतियां, मतलब जो भी बच्चा बोलता है, मतलब लय कैसी है बोलने की, गला कैसा है, फेस एक्सप्रेशन कैसा है, कपड़े कैसे पहने, मतलब हर चीज़ इतनी गहराई से आप जज करते हैं और बच्चे की गलतियां निकालते हैं, इतना अच्छा कहीं भी मैंने देखा नहीं आज तक। मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है मुझसे और अमूमन इतना मदर का भी नहीं कहना मानती जितना मेरा मानती है, पर मैं सबका ख्याल रखती है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखती है वो, और अपने दादा दादी का भी वो काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। कभी हम घर पे नहीं होते हैं तो उनको जैसे चाय खाना वगैरह उनको बना के देती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ध्यान रखती है।
पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा है। अभी मैं यही बात कर रहा था, आते आते हम जब गर्ली से वापस आ रहे थे, तो अब जो भी था जैसे आपका ही ग्रैंड फिनाले होना है, तो चलो अगले साल होगा, अब 3 महीने है, तो मतलब डट के पढ़ाई करो, क्योंकि अब मेरिट में आना है, तो कम से कम अगर 3 महीने डट के, फरवरी मार्च अप्रैल मैं अप्रैल मार्च में पेपर होंगे, तो मतलब आज से ही स्टडी करेंगे, तभी जाके कहीं 95 या 96% रहेंगे नंबर। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है कि जैसे KKHD ने मौका दिया और चारों राउंडों में उसने अपना अच्छी पोजीशन हासिल की, और 5वां राउंड अब ग्रैंड फिनाले होगा जो पंजाब में होगा, तो मैं ये भगवान से ये आशा करता हूँ कि बेटी वहाँ भी मतलब कोई ना कोई पोजीशन फर्स्ट सेकंड हासिल करे, और अपने इलाके का, अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, अपने दादा दादी का नाम रोशन करे। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार अनगिनत हैं इस बात को भूलना नहीं। पत्थर पूजे तुम्हारे जन्म के खातिर, पत्थर बन माँ बाप का दिल कभी कुचलना नहीं। रोटी का निवाला दे जिसने तुम्हें बड़ा किया, अमृत पिलाया तुझको जहर उसके लिए उगलना नहीं। कितने लड़ाए लाड थे सब अरमान भी पूरे किए, पूरे करो अरमान उनके ये बात कभी भूलना नहीं। लाखों कमाते ही भले माँ बाप से ज्यादा नहीं, सेवा बिना सब राख है मन में याद रखना। जैसी करनी वैसी भरनी न्याय यह भूलना नहीं। जिसने बिछाए हरदम तुम्हारे राहों पे फूल थे, उस राह पर कभी कांटे बिछाना नहीं। धन तो मिल जाएगा मगर क्या माँ बाप मिल पाएंगे, पल पल पावन उन चरणों की चाह कभी भूलना नहीं। पल पल पावन उन चरणों की चाह कभी भूलना नहीं। नमस्कार, मैं तृप्ता, JVT टीचर, और नंता भारती मेरी बेटी है। 2008 में इसका जन्म हुआ, और ये 5 महीने तक तो नाना नानी के पास रही है, फिर उसके बाद अपने दादा दादी के साथ। तो मैं मुंडिया में अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो मैं डेली शनिवार को आती थी और मंडे को मैं जाती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती गई, और फिर वो 4th तक जैसे पढ़ाई इसकी जो दादा दादी के स्कूल में हुई है, इन्होंने प्राइवेट स्कूल जो खोला हुआ वहाँ पे है, फिर उसके बाद 4th क्लास में मेरे पास आ गई है, 4th और 5th मेरे पास पढ़ी हुई है ये, और फिर 6th से लेके 8th तक जो वो अपने डैडी जी के स्कूल पढ़ी हुई है ये। उसके बाद फिर से ये अपने डैडी के साथ ही रही है 8th 10th तक। फिर उसके बाद अभी +1 और +2 में जो है वो अभी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाड़ू में पढ़ती रही, और उसके बाद अभी 3-4 महीने हैं तो उसके चाचा जी जो हैं वो वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ पे पढ़ रही है। और मेरी बेटी जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छी पढ़ने में होशियार है, और हर चीज़ का मतलब बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छी, मतलब हर एक चीज़ का कहना मानती है, जैसे हर चीज़ में कोई जिद नहीं करती है। जैसे जैसे हम जैसे पहनने में जो भी चीज़ पहनने के दें, खाने के लिए दें, तो कोई जिद नहीं करती है, हर एक चीज़ को मान लेती है। अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, तो हर एक इसका बस एक शौक है इसका, मोबाइल देखना। जैसे मैं स्कूल से मैं भी आती हूँ, ये भी आती है, तो एकदम से मोबाइल ले लेगी मेरा, और फिर 15-20 मिनट तो छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, तो उसकी तरफ। और फिर जैसे हम उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो पढ़ने बैठ जाती है, अच्छा कहना मानती है। जैसे प्रिंसेस है मेरी डॉटर, मतलब बहुत मुझे गर्व है। KKHD जो टीम है उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो वरुण बंसल सर हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, मतलब बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम है कि बच्चे अपनी हर एक मतलब एक्टिविटी जो है वो मतलब मौका दे दिया उन्होंने, तो मैं उस टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में जो भी वर्किंग है उनके, मतलब अच्छे कोऑपरेटिव मतलब रवैया उनका, बहुत अच्छे ढंग से मतलब कोऑपरेशन मिलता हमें। जैसे KKHD टीम ने जो मतलब ये राउंड सिस्टम चलाया हुआ है, दो दो राउंड जो है वो जंगल में हुए, और एक तीसरा राउंड जो है वो पालमपुर में हुआ, और 4th राउंड जो है वो रात में हुआ, अब 5th राउंड में पहुंच गई है ये, तो मुझे बहुत खुशी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये 5th राउंड जो फाइनल राउंड ग्रांड फाइनल जो है वो जीत के आए और अपने गांव का नाम रोशन करे, और मैं वरुण सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया हुआ है कि बच्चों को मौका दिया जा रहा है,
स्कूल में तो एक्टिविटी हर एक नोट होती ही है, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो इन्होंने चलाया हुआ कार्यक्रम बहुत अच्छा, तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ये आशा करूँगी कि बच्चों को ऐसे ही मौके दिए जाएँ ताकि अपनी प्रतिभा का मतलब बच्चे जो है वो अपना प्रदर्शन करें और अच्छे मतलब बच्चों को मनोबल मिलता है इससे और बच्चे अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो भविष्य में ऐसे ही मौके दें, भगवान करें इनको और मतलब KKH टीम वालों को मतलब और ऐसे मौके प्रदान करें ये, ताकि बच्चे और कुछ अच्छा सीखें। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट रैंक हासिल करके अपने गांव का, अपने दादा दादी का, अपने घर वालों का और टीचर्स का नाम रोशन करें। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकरान के उत्तरी बंगाल के दिनजापुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीनों के बड़े गढ़ में फैले थे अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब कश्तकारों पर व्यापक शक्ति का उपयोग करते थे। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को भी दे देते थे। गांवों में जोतेदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े बरक पर सीधे अपने नियंत्रण का उपयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे और जो वे उन्हें याद देते थे उस पर भी निर्भर रहते थे। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर काफी हद तक उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। नमस्कार, मेरा नाम रुक्मणी देवी है। ये नंदिता भारती मेरे बड़े बेटे पंकज भारती की बेटी है। ये 3 महीने की हुई थी तो मेरे पास रहती थी। इसकी माँ जो है वो सर्विस करती थी, इसलिए अपने पास रखी थी। बहुत मुश्किल से पाली है मैं। फिर जब बड़ी हो गई तो चुलबुली ऐसी ही थी पहले से ही है। अब अपने स्कूल में प्राइमरी तक इसने पास की है, फिर उसके बाद तो माँ के पास चली गई। पढ़ने में आज भी होशियार है, जो चीज़ बताते हैं उसको ठीक करती है और हमारी सेवा भी करती है। जो हम वैद्य कहते हैं उसी को मानती है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पोती जो है वो जीत करके आए। पहले मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ, उसके बाद ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, मम्मा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और मैं स्कूल के लिए ड्रेस रेडी करती हूँ। फिर स्कूल में जब मैं पहुंचती हूँ तो प्रेयर्स और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। फिर उसके बाद फर्स्ट पीरियड पोल साइंस का होता है, जिसमें टीचर्स ने जो होमवर्क दिया होता है उसको पहले कंप्लीट करते हैं और चेक करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पीरियड होता है वो हिंदी का होता है, जिसमें मैम हमें अच्छे से पढ़ाते भी हैं और अच्छे से हमें नॉलेज भी देते हैं। उसके बाद थर्ड पीरियड जो कि फिज़िकल का होता है, जिसमें हम सभी खेलते हैं। उसके बाद रिसेस होती है, जिसमें बैडमिंटन, चेस ऐसी एक्टिविटीज़ खेली जाती हैं। उसके बाद फोर्थ पीरियड जो कि हिस्ट्री का होता है, जिसमें हमें जो आजकल घटित जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद लास्ट पीरियड कंप्यूटर का होता है, जिसमें कंप्यूटर पर वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। एंड उसके बाद
जब मैं घर पहुंचती हूँ 3 बजे, उसके बाद रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर फ़ोन चलाती हूँ और फिर उसके बाद खेलती हूँ मम्मा पापा के साथ। और फ्री टाइम में मैं चेस खेलती हूँ पापा के साथ और मम्मा के साथ कैरम बोर्ड खेलती हूँ। और इसके साथ साथ तो कभी कभी मैं मंदिर भी जाती हूँ। पहली मुझे अच्छी बात ये लगी है कि मैंने बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, परंतु जो कमियाँ निकाली जाती हैं वो हमें कहीं और नहीं बताई जाती, जो कि इस शो में मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि कमियाँ भी हमें साथ में बताई जाती हैं, ताकि जब हम अगली बार इस शो में दोबारा आएँ तो हम उन कमियों को सुधार सकें और एक ताकि हम उन कमियों को सुधार सकें और काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकें और उन कमियों में सुधार किया जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो KKHD की टीम है वो गांवों से और छोटे कस्बों से ताकि एक बच्चों को निखार देती है और उस मंच तक पहुंचाती है और उनकी प्रतिभाओं को इतना निखारती है कि वो आगे चलकर काफ़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सरवण सिंह है। मैं गाँव बेड़ी तहसील जसिमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने तकरीबन 37-40 साल हिमाचल प्रदेश है शिक्षा विभाग में काम किया, अध्यापक के रूप में काम किया है और नंता देवी जो है वो मेरी पोती है। बचपन में हमने इसको ठीक से पाला पोसा है, हमने एक प्राइवेट स्कूल खोला उसी में, उसमें शिक्षा हमारे पास ही शिक्षा ग्रहण की है 4th तक। उसके बाद वो मतलब अगले स्कूल में गई है और अभी बड़ी हो गई है, समझ हो गई है इसको हर एक चीज़ की और अपने पढ़ाई की और पूरा ध्यान देती है। 10वीं में इसने अच्छे नंबर लिए हैं, 92-93% नंबर लिए हैं, मतलब आगे भी ये कोशिश कर रही है कि +2 में जो है वो भी इसकी अच्छी परसेंटेज आए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन में हर एक लक्ष्य में कामयाब हो और अच्छी तरक्की करे
और पढ़ाई के क्षेत्र में जहाँ तक पढ़ना चाहती है वो ठीक से पढ़े और जो जीवन में अपने में करना चाहती है वहाँ उस लक्ष्य को प्राप्त करे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पोती जो है वो फाइनल जीत कर आए और हमारे गांव का और अपने इलाके का नाम जो है रोशन करे। एक दिन KKST की टीम जो है वो पापा के स्कूल में आई थी, तो उस वक्त जब फील फॉर्म किया तो उसमें पहले मैंने पोइट्री और डेक्लामेशन में किया था, पर फिर उसके बाद मैंने पोइट्री को ही ज़्यादा प्रेफर किया और अपने मैं 4 राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरा पहला राउंड जो कि जांगल में हुआ, सेकंड भी जांगल में हुआ था और थर्ड राउंड पालमपुर में हुआ और फोर्थ राउंड कांगड़ा में हुआ था। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँच चुकी हूँ जो कि 5th राउंड। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं 5th राउंड यानी कि ग्रैंड फिनाले जीत के आऊँ और अपने स्कूल का और गांव का तथा माता पिता का नाम रोशन करूं। थैंक्स करती हूँ वरुण बंसल सर का और KKST टीम का जिन्होंने ये मंच मुझे प्रोवाइड किया। थैंक यू KKST।